हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नेट यूजी और नेट पीजी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो आज इस वीडियो में मैं वहीं डिस्कस करने वाली हूँ। साथ में गाइस, जो आप काउंसलिंग करवा रहे हैं उसका पासवर्ड जो आपका जनरेट हो रहा है, वो पासवर्ड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि 2020 के अंदर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हुई है। जब स्टूडेंट्स ने पासवर्ड शेयर किया तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है नीट यूजी और नीट पीजी दोनों ही स्टूडेंट्स को कि अपना जो पासवर्ड है वो किसी से भी शेयर नहीं करना है। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस जो जारी हुआ है उससे रिलेटेड आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी और नीट पीजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, जो पासवर्ड पॉलिसी है वो सबसे पहले मैं वही आपको बता देती हूँ, उससे रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस जारी हो रखा है। तो ये है, जो पासवर्ड होगा वो आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट रख के किसी के साथ शेयर ना करें। और सिक्योरिटी रीज़न के लिए गाइस, आप जब भी आप काम करते हैं उसके बाद आपको लॉग आउट ज़रूर करना है, सारे विंडोज़ को आपको क्लोज करना है जो भी उसके सेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। तो कैंडिडेट्स का एडवाइज़ किया जा रहा है गाइस, पासवर्ड जो है वो फ्रीक्वेंट चेंज करते रहिए, ताकि किसी को गलती से भी अगर पता चल जाए तो वो मिसयूज़ ना कर पाए। उसके बाद गाइस, यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, कभी भी आपको अपना पासवर्ड जो है किसी के साथ शेयर नहीं करना, और ना आपको कोई मेल वगैरह है, डू नॉट रिस्पोंड टू एनी मेल, किसी मेल का आपको रिस्पॉन्स भी नहीं करना है। विच आस्क, जो आपके आपसे पूछे आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बारे में, तो ऐसा अगर कोई मेल आ जाता है आपको लगे नहीं ये ऑफिशियल मेल है, तो भले ही आपको ऑफिशियल लगे तो भी आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कभी भी ऑफिशियल आपसे लॉगिन और पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। अब जो पासवर्ड पॉलिसी है वो क्या है उसका ध्यान रखिएगा। जो पासवर्ड है वो इस तरीके से आपको सेट करना है कि उसके अंदर 8 से लेकर 13 तक करेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। इतना लॉन्ग होना चाहिए, 8 से 13 करेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। और गाइज, पासवर्ड के अंदर कम से कम एक अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए। एक अपर केस के बिना जो पासवर्ड है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वीक पासवर्ड वो माना जाता है। और कम से कम एक लोअर केस अल्फ़ाबेट आपका होना चाहिए। उस पासवर्ड के अंदर गाइज एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और एक कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, लाइक एट द रेट ऑफ, हैज़, डॉलर, परसेंट, ठीक है, इस टाइप से कोई एक सिंबल होना चाहिए। उसके बाद गाइस, जो चेंज पासवर्ड पॉलिसी है वो क्या है कि एक फैसिलिटी है चेंज करने के लिए पासवर्ड को। तो सबसे पहले आपको साइन इन करना है एप्लीकेंट के अंदर, और लॉगिन करने के बाद आपको चेंज पासवर्ड एक ऑप्शन मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप क्लिक करेंगे तो वहां आपसे एक ओल्ड पासवर्ड मांगा जाएगा, वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड फिल करना है, और उसके बाद कन्फर्म न्यू पासवर्ड आएगा वो आपको फिल करना है, और एक कैप्चा कोड होगा वो कैप्चा कोड को फिल करना है। आफ्टर दैट जब आप सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका ओल्ड पासवर्ड मैच नहीं करता है तो नया जो पासवर्ड होगा वो इज एज पर द पासवर्ड पॉलिसी, देन द फॉर्म विल बी सबमिटेड एंड द पासवर्ड विल बी चेंज सक्सेसफुली, ठीक है। और फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर आप अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो। रिसेट पासवर्ड जो होगा यूजिंग अ वेरिफिकेशन कोड, आपका SMS या ईमेल के थ्रू होगा। तो एप्लीकेंट को ज़रूरत होगी एंटर करने की एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यदि डिटेल जो है वो एंटर आपने की है, अगर बैकेंड जो डेटा है उसे मैच कर जाता है तो सिस्टम आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा, ठीक है। थ्रू SMS जो भी आपने रजिस्टर ना जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है उसके ऊपर। तो एप्लीकेंट को ज़रूरत होती है वेरिफिकेशन कोड की। इफ़ वेरिफिकेशन कोड आपका मैच कर जाता है, तो गाइस देखिए, इफ़ वेरिफिकेशन कोड मैचेस विद डेटाबेस देन सिस्टम विल प्रॉम्प्ट फॉर रीसेटिंग न्यू पासवर्ड, ठीक है। ये आपका ईमेल के थ्रू आपको करना हो तो ईमेल का दिया है। तो गाइस, ये आपको स्ट्रॉन्गली जो है रिकमेंड किया जाता है, कोई भी OTP वगैरह आता है किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना, मेल में पूछा जाता है तो मेल में भी शेयर नहीं करना, ठीक है। फिर भी अगर आपको इन सब से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।